बस आपसे निवेदन है, हमारे द्वारा बताए गए जानकारी को संपूर्ण तरीके से देखिएगा और उसके साथ ही साथ इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जीवन में संघर्ष परमात्मा हो या मनुष्य, हर एक को करना पड़ता है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधे, ना कि लोगों या चीजों से। जिंदगी में महान बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे संस्कार की हमें इंसान बनाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस प्रकार ईश्वर ने आपके लिए बड़े संदेश भेजे और आपके जीवन में कौन कौन से बड़े लाभ होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस शक्ति को देखकर तुम्हारा पैर भी कांपने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को देखकर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि आपके साथ ये घटना होने वाला ही। दोस्तों आप लोग जरूर ही पिछले समय कोई बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया होगा। अभी आपको यह समय यह शक्ति दर्शन देने वाला है। यूं कहे तो तुम्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सावधान, इस बात को मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर दोस्तों तुम पक्का ही जाने अनजाने में कोई गलती कर जाओगी और उसका नतीजा बहुत बड़ा निकलेगा। यानी कि दोस्तों ये समय इस घटना के दौरान तुम्हें भूल कर भी तीन गलती तो नहीं करना है। अगर इन तीन में से एक भी गलती में गलती कर जाओगी और उसका नतीजा बहुत बड़ा निकलेगा। यानी कि दोस्तों ये समय इस घटना के दौरान तुम्हें भूल कर भी तीन गलती तो नहीं करना है। अगर इन तीन में से एक भी गलती जाने अनजाने में भूल कर भी आप कर देंगे तो फिर दोस्तों तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तुम्हारा किस्मत फूट जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने, आपके जीवन काल में यह शक्ति आपके पुण्य कार्यों को देखकर प्रसन्न हो चुका है और तुम्हारी कुछ परीक्षा लेने वाला है। कौन सी परीक्षा लेने वाला है यह चीज आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह शक्ति कौन है और हमारी कौन सी परीक्षा लेने वाला ही, साथ ही हमें कौन सा तीन गलती नहीं करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे जरूर ही आप एक बार समझ लीजिए, नहीं तो फिर अगर भूल कर भी आप गलती कर दोगी तो जीवन भर पछतावा होगा। इस बात का तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को अंत तक बिल्कुल अकेले में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले जीतने भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इससे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम राम भक्त हनुमान जरूर लिखते, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों इसके उपरांत आपको बता दें कि अब जो होने वाला है वह आज तक नहीं हुआ होगा। आपके साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप खुशनसीब हैं जो कि आपका साथ ही ये घटना होने वाला है, लेकिन आपकी सारी मेहनत सारी पुण्य कर्म पर पानी फिर जाएगा। क्नॉइस अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी गुप्त राज छिपे हुए बात आपको बताने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। इस बात से आप बिल्कुल अनजान हैं और यही कारण है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लोग कुछ मंत्र कुछ उपचार भूल चुके हैं जो सदियों पुराना है और बहुत असरदार है, ये चीज भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। तुम्हारी पुकार को प्रभु श्री राम ने सुन लिया है और अपना फैसला भी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको ये मौका मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों ये समय हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में तुम्हें सफलता देखने को मिलेगा। अब लोग आपकी किस्मत को देखकर कहेंगे वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में अपना हाथ लगा देंगे वहां से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो। आपको बता दें कि आज समय रुके हुए कार्यों से भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रही है और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ का अनेकों रास्ते दिखाई पड़ने वाली है और लाभ भी आपका बढ़ेगा, जो कि दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको बता दें कि यह समय आपका दैनिक दिनचर्या बहुत ही अच्छा रहेगा। आप यश में अपने कामों में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करें। आप यश में अधिकतर समय अपना कार्य में ही व्यतीत करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा समय अगर आप अकेले में बिताना पसंद करें तो आपको और भी अच्छा महसूस होगा और मन में चल रही चिताओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी और सफलताएं मिलते हुए हमें दिखाई पड़ रही हैं। यश में नौकरी कर रहे लोगों को मैं अच्छा प्रमोशन चाहते थे तो वह मिल सकता है।
आपका रुका हुआ डॉट सीमेंट है तो वह भी प्राप्त होगा। और अगर आप लोग ये समय अपना स्थान परिवर्तन चाहते थे तो यह भी आप करवा सकती है। इनमें भी आपको अच्छा ही लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप लोग यश में अपने कार्य को थोड़ा ईमानदारी से करें तो और अच्छा होगा। आपसे सीनियर वर्क के लोग जो आपके पास हैं, वे लोग आपके ऊपर अपनी निगाहें बनाकर रखेंगे, इसलिए आप जो भी कार्य करें अच्छी सी करें और समझदारी से करें। अगर गलती आप कर देंगे तो आपको डांट भी सुनना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करती हैं, वह चाहे शेयर मार्केट हो या फिर कहीं और, तो दोस्तों आप लोगों को भी उनसे अच्छा लाभ मिलेगा। ये समय आप अपनी व्यापार को बात भी कर सकती और उनसे कई गुना ज्यादा भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों जो लोग या अष्टमी किसी भी प्रकार की कार्य को शुरू करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आप हर कार्य को कर पाएंगे। कार्य को करने के लिए आपको अधिक समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप मौज मस्ती को छोड़कर अपने कार्यों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। किस्मत का साथ मिल रहा है और यह समय आपको बता दें कि पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, तभी आपको सफलता मिलेगा और आपकी सोच सपने पूरे होंगे। जी हाँ दोस्त, लेकिन उनसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दी कि दोस्तों जब कभी भी कोई भी देवी देवता किसी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है तो उनको कुछ देने से पहले उनकी परीक्षा लेना जरूरी समझते हैं, और ये समय आपकी परीक्षा लेने वाली और यश में रूप बदलकर यह देवी माँ स्वयं तुम्हारी परीक्षा भी ले सकती है। इसलिए फोर बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कर ऐसी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वह चार गलती कौन सा है जो हमें नहीं करना है, तो दोस्तों वही बताने वाले हैं। बस पूरे ध्यान से देखिए, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दी। बहुत भाग्यशाली हैं जो कि यह देवी माँ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं। तुम्हारे कार्यों को देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती हैं, तो इस बार कोई गलती मत करना। बस आप लोगों से यही कहेंगे। अब बात रह जाता है कि आखिर ये देवी माँ किस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने वाली। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कहीं भी रास्ते चलती, अगर आपको भिखारी दिखाई पड़ता है और कष्ट की स्थिति में हो, आपसे कुछ मांगता हो, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर देखें। भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, ये समय आने वाले 3 दिनों के अंदर तो आप समझ जाएगा कि ये देवी माँ का ही परीक्षा है, और उसमें तो उसे खुश कर देना ही कुछ ना कुछ देकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पुण्य कर्मों का घड़ा भरेगा, ये देवी माँ तुम्हारे ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दे तो भूल कर भी आप ये किसी भी प्राणी का नुकसान मत कीजिएगा। जैसे कि कई लोग होते हैं जिसके घर में अगर सांप बिच्छू को तबिल्ली आ जाता है तो वो भी मारकर भगा देता हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये देवी माँ तुमसे और भी नाराज होगा और तुम्हें दंडित भी कर देगा। इसलिए अगर आपने पिछले समय कोई ऐसा गलती किया है तो अभी तुरंत ही हाथ जोड़कर देवी माफी मांग लो, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको और 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि वीडियो में आगे आपको बताने वाली, और वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि ये देवी माँ के आशीर्वाद से आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, आपका जीवन किस प्रकार बदलेगा, और कौन सा 10 बड़ी खुशखबरी है जो आपको 3 दिनों के अंदर ही मिलने वाला है। देवी माँ के आशीर्वाद से तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने कर्म को बहुत अच्छा रखे थे और आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यह जानकर आपको भी खुशी महसूस होगा कि दोस्तों अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा, हर जगह अब तुम्हारे ही चर्चे होंगे, क्योंकि तुम्हारी पुण्य कर्म बहुत अच्छी थी और तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी कर्मों का फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। आपके जीवन को पूरी तरह से दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा समय बहुत ही नसीब वालों का आता है, जो समय आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों कहते हैं एक ना वन दिन तो बुरे समय का अंत होना ही है, तो आखिरकार आपके जीवन का भी वह समय आ गया है। अब आपके बुरे दिन का अंत होगा और आपके जीवन का एक नया सवेरा शुरू होगा, या फिर यूं कहें कि आप अपने नए जिंदगी में। प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का होते ही आपका शुभ कदम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक नया सफर आपके जीवन का अब शुरू होने वाला है, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों अब रोना धोना छोड़ दीजिए, अब अपने जीवन के नए सफर की तैयारी करिए। ऐसे में आपको जो सावधानियां रखनी है दोस्तों, ये सुनने में तो साधारण लगेंगी,
और आप जाने अनजाने में ये गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन अब और नहीं तो दोस्तों लिए जानते हैं किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होते ही बड़ा तूफान आने वाला है और कौन सी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान श्री राम की कृपा से ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को तो वीडियो को प्यारा साइक्लाइज जरूर करें, ताकि आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्रन की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, सीताराम दोस्तों आप जरूर लिखेगा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना अब तक आपकी अधूरी है वह सभी समाप्त होगी, तो आप जरूर लिखेगा। दोस्तों प्रभु श्री राम सदा ही आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, रक्षा घर परिवार में खुशियां बनाए रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके कर्म बहुत ही श्रेष्ठ दोस्तों आपके कर्मों का ही फल है जो अब आपको प्रभु श्री राम स्वयं देने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है वह भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपका पिछला जो समय रहा है वह बिल्कुल आसान नहीं रहा है, तो आपको अब अपने समय से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तो कोई आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, देखा जाए तो आप किसी बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं, लेकिन अब आपकी हर एक चिताओं का अंत होने वाला है। भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं दोस्तों। कहते हैं करबला तो हो भला, तो आपने जितना अच्छा किया है, जितना भला किया है, अब प्रभु श्री राम भी आपका उतना ही भला करने वाले हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कौन सा बड़ा तूफान आएगा, कौन सी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, कौन सी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में बनाए रखनी है, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। जरा दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने वाली है। दोस्तों जो सच्चाई सामने आने वाली है एक ऐसी सच्चाई है जो आपके पूरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, एक ऐसी की ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर आपको यह उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी वह व्यक्ति कर सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति की ऐसी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है, दिल पर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पीछे आपको धोखा दे रहे हैं जो आपके साथ चल कर रहे हैं, जो आपके विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में लगे पड़े। दोस्तों भगवान श्री राम की कृपा से ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। दोस्तों वही जो तूफान प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में आने वाला है, वह तूफान है खुशियों का। जी हां दोस्तों, को यह भी बड़ी आपके जीवन में खुशियां आने वाली है जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद आ रही है। दोस्तों जिसके घर परिवार के सभी लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करने वाले हैं, सभी के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने वाली है। दोस्तों संभव है कि आपका घर पर सदा रहे हो, या फिर उनका विवाह हो, या फिर संभव है कि आपको किसी रिश्तेदार या किसी शादी समारोह में जाना पड़े जहां पर सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। दोस्तों कुछ ऐसा खुशियों का तूफान जीवन में आ सकता है। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बाकी रहने वाली हैं। अब धीरे धीरे करके समाप्त होते ही चलते चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन सावधानियां अब आपको बनाए रखनी है। वह है दोस्तों दूसरों की चिंता ना करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे लक्ष्य को पाने की कोशिश अब आपको करेंगे। जब मैं आपको खुशियां मिलती है वह कार्य भी आपको करनी चाहिए। दोस्तों अब एकाग्र होकर अपने काम की ओर पूरा ध्यान रखें, इस चीज की चिंता छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। जी हां दोस्तों, क्यों किसी के अपने अपने जीवन में ऐसे कार्य को नहीं किया है जो आप करना तो चाहते थे, लेकिन आप यही सोचकर रुक गए कि लोग क्या कहेंगे। अब आपको बहुत ही चालाकी से रहना होगा, किसी को भी अपना समझने की भूल नहीं करना होगा। दोस्तों ये तो प्रभु श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर ही बनी है, जिसके चलते हैं आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ होगा। सूरज एक नया आपको सवेरा देखा जो शायद ही अब से पहले आपको मिला होगा दोस्तों, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो सावधानियां आपको बनाए रखनी है वह सराहनीय है। दूसरों की कहानी सुनी बातों में आकर कोई भी कार्य ना करें, किसी व्यक्ति के बाहों में आकर किसी से वाद विवाद ना करें। कोई फैसला नहीं तो आपका ही होगा जो आपको ठीक लगता है कि आप जरूर करें। जो लोग पर निवेश करने जा रहे हैं तो आप दूसरे की बातों में आकर ऐसा करने से बचें तो नुकसान से आपका ही होगा। दोस्तों आपको बता दें इस 24 घंटे के अंदर ग्रह की स्थिति भी आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है, जिसके चलते आपके जीवन में इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है।
दोस्तों आपके लिए चारों ओर का वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। आप खुशियों को एक दूसरे से साझा करेंगे। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्रों का सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नए रास्ते खो जाएंगे। आप अपने भाई बहनों से किसी किए हुए वादे को पूरा करें। आपको रेनोवेट करने की योजना बना सकते हैं। ऑनलाइन कम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दान पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपने आवश्यक कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश करें नहीं। किसी कानूनी मामले में आपको ढील देने से बचना होगा। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। दोस्तों, इस समय प्रतिस्पर्धा कहां आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, लेकिन आपके धन धाने में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कार्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपने यदि कोई जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को शेयर की तो वह इसका फायदा उठा सकता है। आज का दिन लाभदायक रहने वाला, अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सभी का सहयोग बना रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से सरप्राइज पार्टी का आयोजन। जीवन साथी को आपकी कोई भी बात बुरी लगती है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। आज का दिन कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, धार्मिक गतिविधियों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। दोस्तों, आपको कुछ नहीं, योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आंखों की तरह विश्वास से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेंगे। क्नॉइस दोस्तों इन नक्षत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दिन सट्टा। दोस्तों, विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत कर लो। दोस्तों, इस समय आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। अपने किसी परिजन की सलाह पर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जोखिम को खाने से बचे नहीं तो समस्या कटती है। आप मेरे से काम ले नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। कारोबार में आपको ही समझौता ध्यान रखकर ही करना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पिताजी की बातों को पूरे ध्यान से सुनना होगा। आपके कुछ नए प्रसंग रंग लाएंगे। संतान के लिए आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर ला सकते हैं। कुछ पुरानी योजनाओं को बल मिलेगा और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिससे अधिकारी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिए। आपका बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। क्नॉइस दोस्तों, अब आपको एक ITI में बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र में अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए और किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। शीघ्रता और भावुकता में लिए गए निर्णय से बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्र से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कुछ नए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएं। आर्थिक दृष्टि को दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। भावनात्मक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। मेलजोल की भावना आपके मन में बनी रहेंगी। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में विवादित है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ही खिला बबूता में आकर कोई निर्णय न किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपको हस्तक्षेप करना नुकसान देने लगता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी के सामने उजागर नहीं करना है। आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, आपको अब अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से जुटा पाएंगे। आप अपने भाई बंधुओं से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी नए काम की पहल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती।
है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप कुछ नए बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कला कौशल से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और आप अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, इस समय में आप कार्यक्षेत्र कामा हो आपके हित में रहेगा और अकोला होगा, जिसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इससे व्यथित होकर साथियों का मूड खराब हो सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क रहें, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार से सब सही हो जाएगा। अपनी बातों से माहौल को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। शाम के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका यह समय खुशनुमा बीतेगा और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपको दोपहर तक भाग्य के भरोसे हर्षवर्धन शुभ समाचार भी मिलेगा। दोस्तों, आज एक विशेष दिन है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको कुछ असाधारण करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में जाते दिख रहे हैं, जिससे आप बहुत ही खुश नजर आएंगे। आपको सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लेने की संभावना है। हालांकि अपने लापरवाह विचारों से पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में उम्मीद के मुताबिक लाभदायक नहीं रहने की संभावना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दी है। धन्यवाद।